नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑटो इन्फिनिटी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे अच्छे माइलेज वाली स्कूटर्स के बारे में। आजकल फ्यूल की कीमत तेजी से बढ़ रही है कि हम सभी को माइलेज की चिंता रहती है, इसीलिए हमने आपके लिए 7 बेस्ट स्कूटर्स की लिस्ट तैयार की है जिनका एवरेज माइलेज सबसे अच्छा है। इस लिस्ट में अलग अलग बजट वाले स्कूटर्स हैं जिनमें कई तरह के फीचर्स हैं जो आपको अच्छी माइलेज के साथ ही और भी सुविधाएं देंगे। बट हमारा फोकस रहेगा सभी स्कूटर्स के माइलेज पे और उनके फीचर्स पे जो माइलेज को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस बेस्ट माइलेज की स्कूटर की लिस्ट में नंबर 7 पोजीशन पर आता है वेस्पा VXL 125। वेस्पा VXL 125 एक प्रीमियम स्कूटर है जिसका एवरेज माइलेज 55 किलोमीटर पर लीटर है। और बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई है। 1.3 लाख रुपीस से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। इसमें 125 सीसी का इंजन है जो भारत स्टेज 6 इमिशन नॉर्म्स से कम्प्लाई है और यह इंजन 9.8 bhp की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। वेस्पा VXL 125 का वेट 114 kg का है और फ्यूल कैपेसिटी 7.4 लीटर की है। VXL 125 में फुल LED हेडलैम्प्स, USB चार्जर एंड अंडर सीट स्टोरेज लाइट जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही में फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक देता है और आपको इसके फ्रंट में क्रोम बम्पर कार्ड, पेरीमीटर किट और एक वाइजर जैसे एसेसरीज भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें ट्यूबलेस टायर, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आपको बेस्ट माइलेज वाला स्कूटर चाहिए तो आप ये स्कूटर को प्रीफर कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पोजीशन पर आता है TVS Jupiter 125। TVS Jupiter 125 एक प्रीमियम एंड पॉपुलर स्कूटर है जिसका एवरेज माइलेज 57 किलोमीटर पर लीटर का है और इसकी प्राइस 83,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। इसमें 125 सीसी का इंजन है जो इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका लुक सिंपल और एलिगेंट है और इसमें अलॉय व्हील्स और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग और अंडर सीट स्टोरेज मोबाइल चार्जर जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। इसमें साइलेंट स्टार्ट सिस्टम और स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है जो बेटर माइलेज देने में मदद करता है। TVS Jupiter 125 एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर है जिसमें 33 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिल जाती है। इसका पावरफुल इंजन आपको 11 bhp की मैक्स पावर एंड 10.5 nm तक का पीक टॉर्क देता है। टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क एंड 3-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल गैस चार्ज रियर मोनोशॉक सस्पेंशन आपको एक कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस देते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन पर आता है होंडा एक्टिवा 125। दोस्तों होंडा एक्टिवा 125 हमेशा से ही पॉपुलर स्कूटर रहा है जिसका एवरेज माइलेज 60 किलोमीटर पर लीटर का है एंड जिसकी प्राइस 79,000 रुपीज से चालू हो जाती है। इसमें 125 सीसी का भारत स्टेज 6 इमिशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई किया हुआ इंजन है जो 8.2 bhp की मैक्स पावर एंड 10.4 nm तक का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक्टिवा 125 का कर्व वेट 110 kg का है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 5.3 लीटर की है। इसका लुक सिंपल और एलिगेंट है और इसमें LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है। इसके एडवांस माइलेज इंडिकेटर, ESP टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंट टायर्स और सेंसर बेस्ड PGM-FI सिस्टम जैसे फीचर्स आपको बेस्ट माइलेज देने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें ISS टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो इंजन को स्टॉप कर देता है जब स्कूटर ट्रैफिक में खड़ा हो जाता है, तो ये आपको ज्यादा माइलेज देने में मदद करता है। इसकी एक और खास बात है इसकी स्मार्ट की, जिसमें स्टार्ट सेफ, स्मार्ट फाइंड और स्मार्ट स्टार्ट जैसे बेहतरीन फीचर्स हैं। आप इस स्मार्ट की मदद से बिना चाबी आपकी पॉकेट से बाहर निकाले अपने स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पोजीशन पर आता है TVS Jupiter। दोस्तों TVS Jupiter एक अफोर्डेबल स्कूटर है जिसकी प्राइस ₹71,000 रुपीज से चालू हो जाती है। इसका एवरेज माइलेज 64 किलोमीटर पर लीटर का है। इसमें इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है जिससे आपको 15% तक इम्प्रूव्ड माइलेज मिलती है। इस स्कूटर का कर्व वेट 107 kg का है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 6 लीटर की है। इसका 110 सीसी का इंजन 7.7 bhp की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। इसका लुक सिंपल और एलिगेंट है और इसमें LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स,
अलॉय व्हील्स एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा इस स्कूटर की स्टेबिलिटी कमाल की है, जिससे आपको एक स्मूथ वाइब्रेशन फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी रिलायबिलिटी और लो मेंटेनेंस भी इस स्कूटर को खास बना देती है। इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर आता है हीरो मैस्टीरियो एज 125। हीरो मैस्टीरियो एज 125 एक और पॉपुलर स्कूटर है, जिसका एवरेज माइलेज 65 किलोमीटर पर लीटर का है एंड जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 78,000 रुपीज है। इसके अलग अलग मॉडल हैं जिनकी प्राइस 92,000 रुपीज तक जाती है। इसमें भारत स्टेज 6 इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करने वाला 125 सीसी का इंजन है, जो 9 bhp की मैक्स पावर एंड 10.4 nm तक का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें फ्यूल डिजिटल स्पीडोमीटर है, जो हीरो कनेक्ट फीचर के साथ आता है। इसमें आपको टोवे अलर्ट, टोपल अलर्ट, ड्राइविंग स्कोर, जियोफेंस अलर्ट, हीरो लोकेट और लाइट ट्रैकिंग जैसे बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा इसमें फ्रंट टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन, डिस्क एंड ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 5 लीटर की है और इसका कर्व वेट 111 kg का है। इसका लुक स्पोर्टी है और इसमें डुअल टोन कलर ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी LED टेल लाइट्स, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग एंड अंडर सीट USB चार्जर जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें हीरो i3S टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो इंजन को स्टॉप कर देता है जब भी स्कूटर ट्रैफिक में खड़ा होता है, तो ये भी आपको ज्यादा माइलेज और आपका फ्यूल सेव करने में मदद करता है। इस लिस्ट में हमारा अगला स्कूटर है यामा फेसिनो 125 Fi हाइब्रिड, जिसकी प्राइस 78,600 रुपीज से चालू हो जाती है। इस स्टाइलिश और स्लीक स्कूटर का एवरेज 68 किलोमीटर पर लीटर का है। इसमें 125 सीसी का ब्लू कोर हाइब्रिड इंजन है, जो भारत स्टेज 6 इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करता है। ये स्कूटर आपको 8 bhp की मैक्स पावर एंड 10.3 nm तक का मैक्सिमम टॉर्क देता है। इसकी डिजाइन बहुत स्टाइलिश है और इसमें डे टाइम रनिंग लैंप है, जो इस स्कूटर के लुक को और भी खास बना देते हैं। बाकी वी शेप LED टेल लाइट्स और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद वाई कनेक्ट जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। फेसिनो 125 Fi हाइब्रिड E20 कंपेटिबिलिटी के साथ आता है, यानी इसे कार्बन इमिशन और पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। लाइट बॉडी और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इस स्कूटर में बढ़िया कंट्रोल और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं। इस सब के साथ ही इसमें आपको ऑटोमेटिक स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम, स्मार्ट मोटर जनरेटर विद साइलेंट स्टार्ट एंड मल्टीफंक्शनल की जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आता है यामा रे ZR 125 Fi हाइब्रिड। यामा रे ZR 125 Fi विद हाइब्रिड पावर असिस्ट एक पॉपुलर स्कूटर है, जिसका एवरेज माइलेज 71.3 kmpl का है। इसकी एक शोरूम प्राइस 82,730 रुपीज से चालू हो जाती है। इसमें आपको 125 सीसी का ब्लू कोर इंजन मिलता है, जो एक हाई एफिशिएंसी वाला इंजन होता है और जो आपको देता है 8 bhp की मैक्स पावर एंड 10.3 nm तक का मैक्सिमम टॉर्क। इस स्कूटर का वेट 99 kg का है, जो आपको बेहतर माइलेज, फास्ट पिकअप और इजी हैंडलिंग देता है। इसका लुक बहुत ही स्टाइलिश और स्पोर्टी है और इसमें आपको LED हेडलाइट्स, LED पोजीशन लाइट्स और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद वाई कनेक्ट मौजूद है। ZR 125 Fi E20 फ्यूल कंपेटिबिलिटी के साथ आता है, मतलब इससे कार्बन इमिशन भी कम होता है। ब्लू कोर हाइब्रिड इंजन और ऑटोमेटिक स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम की वजह से ये स्कूटर आपको बहुत अच्छा माइलेज देता है। कंफर्ट के लिए इसमें आपको 2 लेवल सीट्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक विथ UBS भी मिलता है। इसकी अंडर सीट स्टोरेज 21 लीटर की है। इसके अलावा इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच, स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम, क्वाइट इंजन स्टार्ट सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर स्पोर्टी और स्टाइलिश लुक के साथ हाइब्रिड इंजन वाला स्कूटर आपको पसंद है, तो ये स्कूटर भी आपकी बेस्ट चॉइस बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लिस्ट। ऐसे ही बेस्ट रिव्यूज एंड टॉप लिस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।